पांचवा, फिर एक आसान सा क्वेश्चन, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। गड्ढा कैसा है? शंकु के आकार का है, ऐसे ऐसे शंकु के आकार का गड्ढा है। ये इसकी क्या हो जाएगी गहराई, ऐसे, और ये इसकी त्रिज्या, और ये पूरी करेंगे तो क्या हो जाएगी इसका व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है इसका, ये व्यास, ये व्यास दे रखा 3.5 क्या मीटर, और गहराई कितनी रखी 12 मीटर। ये गहराई है 12 मीटर, ये वाली, ये गहराई। इस तरह गड्ढा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है, धारिता यानी क्या आयतन किलो लीटरों में कितनी, ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन देखिए, शंकु की त्रिज्या लिखते पहले, गड्ढे के आधार की त्रिज्या, गड्ढे के के शंकु आकार गड्ढा है भी, आधार की त्रिज्या आर, व्यास दे रखा 3.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5 बटा 2 मीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी, ठीक है। गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई लिख रहे हैं, दिखाएंगे एच से कितनी है गहराई इसकी 12 मीटर। निकालना क्या है, गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता, फॉर्मूला 1/3 पाई आर की 2h, क्योंकि पाई नहीं दे रखी कुछ भी, तो पाई की जगह 22/7 ही लेंगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की 2 का मतलब क्या बनेगा 3.5 बटा 2 और गुणा ये गहराई कितनी h, h कितना आपका 12 मीटर, ठीक है जी। अब कैलकुलेट कीजिए इनको, चाहो तो यहीं काट दो, चाहो तो 3.5 का बटा 10 कर लीजिए। आमतौर पर बच्चे बटा 10 करने में ज़्यादा इजी समझते हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया 10 और नीचे 2, ये भी कर दिया 35, 10 और 2 और गुणे में कितना आपका 12 है, 3 × 12 ये काट दिया, फिर 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और इसको काटूंगा तो 2 × 2 = 2 और क्या बच गया नीचे भाई, ये 10 बचा हुआ इसको काट लीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 और कुछ बचा है, और बच गया आपका ये 2 × 4 और क्या बचा है, और ये बच जाएगा 2 × 2 और 11 × 7 = 77 ऊपर और नीचे 1 2 ये बच गया, ये बेटा 2। नहीं काटना रहा फिर खुद ट्राई कर लेना, काटना तो पड़ेगा आपको। देखिए 77 बटा 2 और 77 को जब 2 से डिवाइड करोगे ये आपका आएगा 38 × 36 यानी कि 78.5 मीटर क्यूब, इसकी धारिता होगी। आंसर किस में चाहिए, किलोलीटर में, चलिए किलोलीटर में लिख देते हैं 38.5 और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया किलोलीटर, ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि 1 किलोलीटर किसके बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर किसके होता है आपका 1 किलोलीटर के, बस इतना ही करना है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है, पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है।